हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मोशन ऑफ प्लेन का एक अच्छा क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30√2 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस एंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम दी ओरिजिन। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है। ठीक है, देखो पहले तो एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ये आपकी एक एक्स एक्सिस है, यहां पे एक पार्टिकल है ए। टू पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड 32√ मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस एंड, मतलब एक तो अलोंग एक्सिस चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड वाला, रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है। तो एक तो अलोंग एक्सिस मूव कर रहा है, मान लो पार्टिकल ए मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस वी ए इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, दूसरा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है 30√2 मीटर पर सेकेंड से बट एट एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो इसी एक्स एक्सिस से दूसरा पार्टिकल है, मैं यहां बना लेता हूं, ये इससे 45 डिग्री बनाते हुए, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाते हुए ऐसे। ये दूसरा पार्टिकल है वी बी, ये ऐसे मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 30√2 मीटर पर सेकेंड से। ये दूसरा पार्टिकल है बी, ये ऐसे मूव कर रहा है, इससे 45 डिग्री बनाता हुआ। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है बी की। तो देखो यहां से ऑब्जर्व करना है आपको, इस पर बैठकर ऑब्जर्व करना है, इसको तो बना लो ऑब्जर्वर, ये वाला पार्टिकल तो बन गया ऑब्जर्वर। किसको ऑब्जर्व करना है, बी को। देखो तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या है, कि आप बी की वेलोसिटी को निकालो लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, मतलब ए पर बैठकर अब बी की वेलोसिटी को फाइंड आउट करो। ए इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कैसे लिखते हैं बेटा, अगर ये हमें निकालना है बी बी ए वेक्टर, अब ये वन डायमेंशनल नहीं है, है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको बी वी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको वेक्टर आना चाहिए बी वी माइनस बी ए। तो मैं करता क्या हूं, बी वी माइनस बी है, मेरे को ये निकालना आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए थोड़ा सा। तो वी वी माइनस वी है, ये प्लस का भी है माइनस के भी है, ये प्लस का भी है। तो आप, मैं इसको यहां बना लेता हूं बट डायरेक्शन चेंज करके बनाता हूं, ये जो मैंने बनाया है ये माइनस का भी है, ये तो प्लस के भी है ये माइनस का। तुम्हें पढ़ा हो कि अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है। तो देखो ये माइनस का भी है ना बेटा, माइनस का भी है, तो इसीलिए मैं इसके डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ बी पर, क्योंकि तो निकालनी मेरे को बी की है, ए की नहीं, ए से ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में, इसकी दर्शन को मैं उल्टा कर लेता हूं, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ। ठीक है, अब बी की वेलोसिटी निकालनी है मेरे को विद रेस्पेक्ट टू, अब मैं क्या करूंगा इसके कंप्यूट करता हूँ बी बी के। तो एक वाला ये वाला कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा बी बी, मतलब 30√2 cos 45, और ये वाला कंपोनेंट आएगा इसका, ये वाला 30√2 sin 45 डिग्री। ठीक है ना, जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस ले लेते हैं। इसको सॉल्व करें इस वाले कंपोनेंट को, ये 30√2 1/√2 इसे कैंसिल, तो ये आया 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ये भी 30 मीटर पर सेकेंड आ गया भाई सॉल्व करने पर, क्योंकि sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो अब सोचो जरा, इसका फाइनल डायग्राम अगर मैं यहां बनाऊं तो कैसा बनेगा, इसी बी वाले पॉइंट को देखूं ए पर बैठकर। ये तो आपका ऐसे था, ये तो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। देखो ये 30 मीटर पर सेकेंड है, इधर 20 मीटर पर सेकेंड है, डर्शन कैसी है अपोजिट। तो इन दोनों का नेट निकालूं तो 10 मीटर पर सेकेंड इधर आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, डर्शन अपोजिट होती, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ये 30 है और ये 20 है,
तो नेट इधर की तरफ 10 बचा ना, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो ये इधर की तरफ बचा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये एक्स एक्सेस है, सीधी सी दिख रहा है, एक्स एक्सेस है ये, और ये आपकी वाई एक्सेस थी। तो अगर इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं इस वाले को, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 10i कैप, और इसे लिख सकता हूं 13j कैप। हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर लिखना चाहें तो हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर बना सकते हैं, हम वो ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर है वेलोसिटी का। दैट मीन्स ये ही हमारे क्या है, BBA वेक्टर। तो इसकी BBA वेक्टर की वैल्यू लिखूं, तो BBA वेक्टर इक्वल टू, ये एक्स एक्सेस में इसीलिए 10i कैप, और ये वाई एक्सेस में इसीलिए 30j कैप। दिस इज आंसर, ये आंसर हो गया। इसीलिए इसका आंसर जो लिखना चाहिए वो ए इज अ करेक्ट चॉइस। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।